हेलो बच्चों, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन डी स्कूल का पेपर चल रहा है और ये हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन का है और क्वेश्चन है फिल्म निर्माण में गीत संगीत के महत्व का विश्लेषण कीजिए। ठीक ना, आप लोग जानते हैं कि हमारे हिंदी सिनेमा में अगर गाने नहीं रहेंगे, नृत्य नहीं होगा, तो फिर फिल्म का मज़ा क्या है ना। तो वही उसी के महत्व को बताया गया है। तो भारतीय गीत संगीत भारतवर्ष की पहचान है। ठीक है ना, भारतीय गीत जो है संगीत जो है भारतवर्ष की पहचान है। यह प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है और मार्गदर्शक है रहा है। गीत संगीत ने धार्मिक एवं सामाजिक ढांचे को विकसित करने का भी काम किया है। इसने हमें अध्यात्मक से जोड़कर रखा है। भारतवर्ष में गीत संगीत प्राचीन काल से ही विकसित है। ठीक है, पहले से ही विकसित है ना। इसका प्रारंभ अगर जाने तो धर्म ग्रंथों के मुताबिक वैदिक काल के पूर्व से है। गीत और संगीत का मूल स्रोत वेदों का माना गया, वेदों से लिया गया। ठीक है ना, लेकिन यह वेद में लिखित नहीं है। लेकिन यह सब वेद में लिखित नहीं है। भारतवर्ष प्राचीन काल से ही कई सभ्यताओं के विकास की भूमि रही है, जिसमें मौर्य संस्कृति, विजयनगर साम्राज्य, खिलजी, मुगल कई। लेकिन इन सभ्यताओं के उत्थान के बीच गीत संगीत हमेशा समृद्ध ही हुई। आज गीत संगीत ने भारत को पूरी दुनिया में एक विशिष्ट और अलग पहचान दी है तथा हर स्तर पर हर वर्ग के लोगों को अपनी और उत्कृष्ट आकृष्ट किया है। ठीक है ना, आकर्षित किया है। ठीक है ना भाई, आज भारतीय गीत संगीत की मधुरता पूरी दुनिया में चर्चित है। विश्व में जहां हर तरह के गीत संगीत, चाहे वेस्टर्न, अरबी या अन्य, लेकिन इन सबके बीच जो आयाम लोकप्रियता भारतीय गीत संगीत को मिली वह अद्वितीय है। आदिकाल से अब तक गीत संगीत हमारे परंपरा, संस्कार, रिवाज के उत्थान और तरक्की के गवाह रहे हैं। गीत संगीत इंसान के लिए प्रकृति का एक अनूठा वरदान है। यह एक अद्भुत उपहार है जो सिर्फ गिने चुने लोगों को ही मिलता है। गीत संगीत दुर्लभ कला है और यह माता सरस्वती का प्रसाद है। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों की रचना गीत संगीत के प्रभाव और प्रेरणा से हुई है। भारतीय संगीत के 7 स्वर हैं, सा रे ग मा प धनी है ना, सारे गाँव पधानी सर। ठीक है ना भाई, साथ ही भारतीय संगीत को तीन भागों में है ना, शास्त्रीय संगीत, उप शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत। ठीक है ना, तीन भागों में डिवाइड किया है। सिनेमा में सुगम संगीत का प्रयोग होता है। सिनेमा में कौन संगीत का प्रयोग होता है भाई, सुगम। भारतीय सिनेमा और गीत संगीत का साथ आत्मा और शरीर का है। अगर कहा जाए तो दोनों एक दूसरे से क्या है, पूरक है। आज सिनेमा की अप्रत्याशित सफलता और ऊंचाई में गीत संगीत का ही विशेष योगदान है। देखिए, हम लोग भी क्या करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस में रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा मूवी देख लेते हैं या गाने सुन लेते हैं, थोड़ा सा सही हो जाता है ना। तो गीत संगीत या ये सब कार्यक्रम जो है ना, बहुत अच्छा होता है अपने लाइफ के लिए ना, जीवन के लिए, आगे जाने के लिए ना, कोई स्ट्रेस ना आए, इसलिए गीत सुना जाता है। सिनेमा जो आज नए सफलता का इतिहास रच रहा है, इसका एक बड़ा कारण गीत संगीत है। ठीक है ना, भारतीय सिनेमा में संगीत को पुराने समय से ही भी महत्वपूर्ण स्थान रहा। हम यह जानते हैं कि 1913 से भारत में फिल्मों का निर्माण शुरू हुआ, लेकिन इसे लोकप्रियता और पहचान आज़ादी के बाद मिली। ठीक है ना, इस दौर में फिल्में ब्लैक और वाइट निर्मित होती थी। 1912 में निर्मित फिल्में और भारत की पहली कलर फिल्म थी, जो एक अपवाद फिल्म थी ब्लैक एंड वाइट के बीच। उन सुनहरे दौर में नौशाद, सर डी बर्मन, मोहम्मद जहूर खयाम, हसरत जयपुरी, मजरूह सुल्तानपुरी जैसे गीतकार और संगीतकार थे, जिनके लिखे गीत और स्वरबद्ध किए संगीत को बॉक्स ऑफिस पर सफलता की गारंटी माना जाता था। हिंदी सिनेमा में पहला अवार्ड संगीत के लिए नौशाद ने 1954 में बैजू बावरा फिल्म के लिए जीता। उस दौर की फिल्में अदाज ऑन अनमोल, घड़ी, कोहिनूर, सरदार, दीवाना जैसे अनगिनत फिल्मों के साथ सदी की महान चर्चित फिल्म मदर इंडिया और मुगले आजम का भी मधुर संगीत नौशाद ने ही दिया है। तब संगीत और संगीत फिल्म के बेहद जरूरी हिस्सा होता था और यह फिल्मों के कामयाबी के लिए महत्वपूर्ण था। भारतीय सिनेमा में संगीत के तरह गीत भी अनमोल है। भारतीय सिनेमा में गीत के लिए प्रथम फिल्म फेयर अवार्ड गीतकार शैलेंद्र ने 1959 में जीता था। ठीक है, फिर 1970 का दशक आया और इस समय तक गीत संगीत की भारतीय सिनेमा में मजबूत पकड़ हो गई थी और तब फिल्म की लोकप्रियता चरम सीमा पर थी। कब, 1970 वाला है ना, सुनहरा अवसर माना जाता है 1950 से 70।
के बीच का ना। इस दशक से 1990 तक आनंद बख्शी, इंदिवर, नीरज वर्मा, मालिक, गुलजार, कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, राजेश रोशन, रविंद्र जैन, शिव कुमार शर्मा, हरिप्रसाद चौरसिया जैसे गीतकार और संगीतकारों का दौर रहा। इन महान गीतकारों और संगीतकारों ने अनगिनत फिल्मों को अपने कला से नवाजा, जिसने जाओन, मेरी, नाम सच्चा झूठा, धर्मात्मा, कटी पतंग, रोटी, अमर अकबर, अंथोनी, बॉबी, सत्यम, शिवम सुंदरम, मुकद्दर का सिकंदर, शराबी, दोस्ताना, डॉन सौतन, प्रेम रोग, कुर्बानी, चांदनी जैसी कई बेहतरीन फिल्में हैं जिनके गीत आज भी सदाबहार हैं और सुने जाते हैं। 1990 का दशक क्रांति और बदलाव का था। इसने सिनेमा जगत को गीत संगीत गायन क्षेत्रों में कई प्रतिभावना कलाकार दिए। इसके आगमन के साथ नदीम श्रवण, आनंद मिलिंद, दिलीप सेन, समीर सेन, जतिन ललित, एआर रहमान, समीर जावेद अख्तर, नवाब आरजू, रानी मलिक जैसे कलाकारों के कामयाबी का दौर शुरू हुआ। इन कलाकारों ने साजन बेटा, दिल, आशिकी, सड़क, रंग दीवाना, दिल तो पागल है, हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, राजा हिंदुस्तानी जैसे कई फिल्मों को गीत संगीत से सजाया है और कामयाब पाई है। 2000 के आगमन के बाद भारतीय गीत संगीत परिप्रेक्ष्य को देखा जाए तो थोड़ा बदलाव हुआ और अब सुर और तेजी से बजने वाले गाने भी चलते हैं, लेकिन कर्णप्रिया और प्रेम प्रसंगयुक्त गानों में कोई परिवर्तन नहीं आया है। भजन हो या गजल, वे भी पहले की तरह ही पसंद आ रहे हैं। आज वर्तमान संगीत में समाज का हर वर्ग रुचि ले रहा है, पसंद कर रहा है। अभी सिनेमा जगत में हमारे बीच प्रसून जोशी, इरशाद कामिल, अमिताभ भट्टाचार्य, रसीम सिंह, प्रीतम, शंकर एहसान लॉय जैसे कलाकार हैं जो गीत संगीत की परंपरा को बढ़ा रहे हैं। इन्होंने कहो न प्यार है लगान, दिल चाहता है कभी खुशी कभी गम, फना, माई नेम इज़ खान, गजनी, कभी अलविदा ना कहना इत्यादि कई फिल्मों में गीतों को लिखा है और स्वरबद्ध किया है। सिनेमा जगत में आने वाले वर्षों में ऐसे ही गीत और संगीत का प्रभाव रहेगा और हम गुनगुनाते रहेंगे। भारतीय गीत संगीत की उन्नति में प्राचीन काल के अमीर खुसरो, तानसेन, स्वामी हरिदास और आज के युग के नौशाद, सिडी बर्मन, शैलेंद्र, आनंद बख्शी, गुलजार, पंडित रविशंकर, पंडित जसराज, ए आर रहमान जैसे महान कलाकारों का नाम हमेशा अमर रहेगा, जिन्होंने हमें प्राचीन युग की कला को आज के युग में कायम रखा है। ठीक है, तो बच्चों ये रहा आप लोग का कि गीत संगीत का क्या महत्व है फिल्मों में, हिंदी फिल्म में, तो ये आप लोग को बताया मैंने। ठीक है, अब आप लोग इसको पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़कर मत जाइएगा और फिर लिख लीजिएगा आएगा तो। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों।